हेलो गाइज, आप देख रहे हैं फ्रियाज टेक। तो आज के मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि टेक्नो स्पार्क 6 गो मोबाइल हैंग करता है, उसको कैसे सोल्व करें। अगर आपका भी मोबाइल हैंग करता है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो मेरा फर्स्ट स्टेप है कि फर्स्ट स्टेप ये है कि आप अपना मोबाइल में स्टोरेज जाकर देखिए कि अगर आपका मोबाइल का स्टोरेज फुल है तो आप अपना मोबाइल का स्टोरेज फुल मत रखना। और जो मेरा सेकंड स्टेप ये है कि आप अपना मोबाइल में जो फालतू ऐप है उसको डिलीट कर दें। और जो मेरा थर्ड स्टेप ये है कि आप 2 या 3 दिन के अंदर में आप अपने मोबाइल को रीस्टार्ट जरूर करें। और तो चलिए मैं अब कुछ अपने मोबाइल को सेटिंग में बताता हूँ। तो इसके लिए मुझे अपने मोबाइल में चलना पड़ेगा। तो चलिए मैं अपने मोबाइल में चलता हूँ। तो आप लोग अपना मोबाइल में सेटिंग ओपन कर लीजिए। तो फर्स्ट पर दिया है माय फोन पर क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करें तो नीचे दिया है बिल्ड नंबर पर आप 7 बार क्लिक कीजिए। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी क्लिक कर लेता हूँ। तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। तो आप लोग यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल करें। तो चलिए मैं अपना पासवर्ड फिल करता हूँ। उसके बाद आप इंटर कीजिए और इंटर करने के बाद आप माय फोन से निकल जाएं और डायरेक्ट आप नीचे की ओर स्क्रॉल करें और सिस्टम पर क्लिक कीजिए। और डेवलपर ऑप्शन पर आने के बाद सबसे फर्स्ट स्टेप करना है OEM अनलॉक पर आप क्लिक कीजिए और आप यहाँ पर अपना पासवर्ड को फिल करें और इंटर करें और इसको इनेबल कर दीजिए। और इनेबल करने के बाद और नीचे की ओर आइए। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो देखिए यहाँ पर दिया है विंडोज़ एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। तो यहाँ पर जितना एनिमेशन दिया है इसको आप एनिमेशन ऑफ कर दें। और देखिए यहाँ पर 3 गो दिया है, आप तीनों को एनिमेशन को ऑफ कर दें। उसके बाद आप हल्का सा स्क्रॉल नीचे की ओर कीजिए और नीचे की ओर करने के बाद देखिए दिया है डोंट कीप एक्टिविटीज, इसको ऑन कर दीजिए। और इसके नीचे दिया है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, तो आप इसको नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट कर दीजिए। और यहाँ से करने के बाद आप सिंपली क्या करना है कि आप यहाँ से बैक हो जाइए। अगर अब भी आपका मोबाइल हैंग कर रहा है तो आप अपना सेटिंग को ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद आप सिस्टम पर आइए। और सिस्टम पे आने के बाद देखिए यहाँ पर दिया है रीसेट ऑप्शन, तो आप रीसेट ऑप्शन पर क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर दिया है इरेज ऑल डेटा, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए और अपना जो जितना डेटा है आप इसको इरेज कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पर्सनल डेटा होगा वो सब डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपका नहीं होता है तो आप इससे भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर इरेज करते हैं तो आपका जितना भी मोबाइल में डेटा रहेगा वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो पक्का इसके बाद आप कीजिएगा तो प्योर 100% आपका जो मोबाइल है हैंग नहीं करेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।